कल 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही अग्निवीर परीक्षा को लेकर दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसके साथ ही दुर्ग शहर में लगभग 45,000 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। दुर्ग जिले के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। गुरुवार 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1 से 13 दिसंबर के बीच अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने अधिकारियों को निर्देशित किया था। साथ ही रक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार यहां ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, मैदान में साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इस दौरान दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित होने वाले भर्ती में लगभग 45,000 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। हर दिन यहां लगभग 5,000 विद्यार्थी अपनी परीक्षा दे पाएंगे। कलेक्टर ने इसके लिए अधिकारियों से कहा है कि अभ्यर्थियों को जरूरी सूचनाएं समय समय पर मिलती रहे, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, यातायात, पार्किंग और सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस विभाग ने संभाल रखी है। साथ ही अग्निवीर भर्ती रैली में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एनसीसी एंड एनएसएस के युवाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है। इस संबंध में नोडल प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। जी, अभी भारतीय थल सेना में अग्निवीर की भर्ती रैली का आयोजन आज रात से चालू हो रहा है, जो 12 बजे रात से स्टार्ट होना है और लगभग 70,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन पूरे प्रदेश से है और विभिन्न जिलों से अलग अलग चरणों में आवेदक यहाँ पर लगभग 6,000 प्रतिदिन की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था सुराना कॉलेज ग्राउंड पर की गई है, जिसका पूरा समन्वय जिला शिक्षा अधिकारी और फूड विभाग के माध्यम से भोजन की व्यवस्था वहां पर हो रही है। जैसे पुराने इस पे सेना कार्यालय से जनकारी प्राप्त हो रही, उसके अनुसार लगभग 60% बच्चे आमतौर पर उपस्थित होते हैं, तो हम यहाँ पर उम्मीद ये कर रहे हैं कि लगभग 45,000 के आसपास बच्चे इन 13 दिनों में उपस्थित होंगे। देखिए, पोस्ट जिला सेना कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है कि कितने पदों की भर्ती है। अग्निवीर योजना के आने के बाद छत्तीसगढ़ में यह पहला अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित किया जा रहा है। देखना होगा कि इसमें कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हो पाते हैं और किन्हें अग्निवीर बनने का मौका मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।